राशनिंग विभाग में उस वक्त हंगामा होने लगा जब एक बुजुर्ग आदमी अपने राशन कार्ड के शुद्धिकरण को लेकर कार्यालय में प्रवेश किया। वैसे विभाग द्वारा कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर मेन गेट पर गार्ड को तैनात कर दिया गया है। उधर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे एक बुजुर्ग और गार्ड के बीच जमकर बकचक होने लगा। फिर क्या था, कार्यालय के बाहर खड़े लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। वहीं राशन कार्ड बनाने आए लोगों ने कार्यालय परिसर में घुसकर जमकर बवाल किया। उधर बवाल और हंगामा देखकर गार्ड फरार हो गया। हालांकि राशनिंग विभाग के अधिकारी नवीन कुमार का कहना है कि कुछ भी मामला था मेरे पास आना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि ताला के अंदर जब अधिकारी बंद हो तो आम जनता अधिकारी से कैसे मिले, और ताले के नजदीक ही गार्ड खड़ा हो और गार्ड आम जनता पर रोक लगा दे तो लोग कहाँ जाएं। ऐसे में राशनिंग विभाग के अधिकारी का यह जवाब संतोषदायक नहीं है। वैसे सवाल यह है कि आम जनता का निवाला देने वाला राशनिंग विभाग का गार्ड अगर आम जनता पर ही हमला कर दे तो जनता की बात कौन सुनेगा। अगर दुर्व्यवहार किया है तो उनको चेतावनी दी जाएगी, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे, ये तो पब्लिक डीलिंग ऑफिस है, हर दिन पब्लिक दिन भर आते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। तो इनका मामला है, इन्होंने कभी राशन कार्ड अप्लाई किया था और इनका राशन नहीं बना है। राशन बनने का प्रक्रिया शुरू होगा तो हम लोग बना देंगे, तो जानकारी नहीं है मुझे। नहीं, अगर ऐसा है तो गलत है, ये ऐसा दिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है।